बैठी के कलेक्ट्रेट सभागार गौरीगंज में जिलाधिकारी अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों से अनुरोध किया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगामी त्योहारों का आयोजन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जनपद में सार्वजनिक जुलूस और पूजा पंडालों का आयोजन नहीं किया जाएगा, अपने घरों पर रहकर त्योहारों को मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की संभावित समस्याओं के बारे में अपने विचार और सुझाव इस समिति के माध्यम से पहुंचाएं, जिससे सह समय उनका समाधान किया जा सके, त्योहारों को शांतिपूर्ण और सद्भाव ढंग से मना सकें। उन्होंने उपस्थित उप जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस क्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपने अपने क्षेत्र में बैठक करके किसी भी प्रकार की संभावित समस्या की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इसके समाधान से सभी को अवगत करा दें, जिससे त्यौहार के दिन किसी असामयिक समस्या का सामना ना करना पड़े। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि छोटी से छोटी समस्याओं का संज्ञान लें, जिससे अत्यंत असहज स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद में धारा 144 प्रभावी है, जिससे दृष्टिगत कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जनपद में किसी भी प्रकार की भीड़भाड़, जुलूस और पूजा पंडाल का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के संभ्रांत नागरिकों, जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और सुझावों से अवगत करवाया। क्या नाम है आपको, कहां से आए हुए हैं? मैं भैया जगदीशपुर रहता हूं, निहालगढ़ कस्बे में। मेरा मोहम्मद रफीक वारसी, उर्फियत मेरी है अल्लू मियां। अभी अभी किस प्रकार का जो है बैठक की और क्या दिशा निर्देश मिले? ये मुहर्रम का जो त्यौहार आ रहा है उसी के सिलसिले में ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, उसी में हम लोगों को ही बुलाया गया था। उसी में हम लोग और तमाम लोग जो आने वाले अपने अपने विचार रख रहे थे कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धा के साथ ये त्यौहार मनाया जाए कि ये जो महामारी है इससे भी हम लोग बचे रहें और इस कहते हैं त्यौहार की गरिमा भी बनी रहे। क्या इसमें जो है कुछ खास कार्यक्रम होता था वो सब नहीं होगा? देखिए, दरअसल ये बहुत बड़ा त्यौहार है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, उनके 72 अफराद को, उनके ख़ानदान के लोगों को भूखा प्यासा रह करके और करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। और इतनी अजीम शख्सियत थी कि वो पानी क्या, अगर एक इशारा उनके ग़ुलाम का एक इशारा हो जाता तो नहर फरात आ करके उनके कदमों में बिछ जाता, लेकिन नहीं, ईश्वर को, अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि हम पैगंबर के नवासों को और उनके ख़ानदान के लोगों का सब्र और शुक्र देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सब्र भी करके दिखाया और ईश्वर का शुक्र भी करके दिखाया और सजदे में जा कर के सच्चाई के लिए, क्योंकि ये लड़ाई कैरेक्टर की थी, ये लड़ाई चरित्र की थी, ये इख्तदार की लड़ाई जंग नहीं थी, ये कैरेक्टर की लड़ाई थी। और उस कैरेक्टर की लड़ाई में नबी के नवासे ने पूरी दुनिया के सामने ये कैरेक्टर पेश किया कि हम इंसानियत के लिए, हम मानवता के लिए गंदे आदमी यजीद जैसे भ्रष्ट, बदचलन, शराबी ऐसे के सामने, ऐसे के हाथ में अपना हाथ नहीं देंगे, क्योंकि वो यजीद यही चाहता था कि अगर नबी के नवासे को हम मुरीद कर लेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन नबी के नवासे वो हैं तो जो नबी के कंधों के ऊपर दोनों नवासे जब चलते थे तो क्या साहब, नबी के कंधों पर कौन जा सकता है? हम लोग तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में से भी गिनती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उनके चहीते नवासे थे, उनके साथ ये हुआ है। आज कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, हमारा मुल्क भी परेशान है। हम अपने मुल्क के कानून के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। अभी जो कुछ यहाँ पे बताया गया है ठीक है, हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम जलसे नहीं करेंगे, हम नहीं ताज़िया नहीं रखेंगे। और शासन, अगर शासन की मंशा अभी तक ये है, शासन अगर कोई चीज़ फैसला लेता है तो शासन जो फैसला लेगा उसी को एडमिनिस्ट्रेशन अमली जामा पहनाएगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूँकि ये इतना बड़ा त्यौहार है कि हम और आप सब मिलकर के मनाते हैं, हिंदू मुसलमान सब मनाते हैं, सब शरबत पिलाते हैं उनके नाम पे, उनकी कुर्बानी को याद करके वो करते हैं। हमारे यहाँ पायक बनते हैं, शायद आप लोग जानते हों, वो कलगी लगा के या हुसैन करते हैं। लेकिन ठीक है, फिर आएगा वक्त, फिर करेंगे। और हमने जैसा भी कहा, आप लोग अंदर थे, सुना होगा कि उनको अगर हम खराजी अकीदत पेश करना चाहते हैं तो हम नमाज़ पढ़ें, हम रोज़े रख लें, हम क्या कहते हैं लोगों में खाना बांटें, हम भीड़ ना इकट्ठा करें, हम लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं और उनको याद करें, कुरान पढ़ करके उनको बख्शें। धन्यवाद।
किस प्रकार की बैठक थी और आप जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं तो किस प्रकार जो है इन त्योहारों को जो है मनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय के सभागार में पीस कमेटी की एक बैठक सभी धर्मों के लोगों को और संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया था, जिससे जो शासन और प्रशासन के दिशा निर्देश हैं गणेश चतुर्थी को लेकर के और मुहर्रम को लेकर के, तो शासन का आदेश शासन का जो दिशा निर्देश है उसको प्रशासन ने हम लोगों को अवगत कराया और इसी संदर्भ में कि गणेश चतुर्थी इस बार ना कोई मूर्तियां रखी जाएंगी और ना ताजिया ही रखी जाएगी, दोनों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जनपद भर में व्यापारियों द्वारा ये रखा जाता है गणेश जी की मूर्तियाँ, उसको सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से अपने घरों में पूजा पाठ करके गणेश चतुर्थी का उत्सव पर्व परिवार के साथ मनाया जाएगा। जो कि COVID-19 जैसे ये महामारी फैली हुई है, इससे ऊपर वाले का यही आदेश है, ईश्वर और खुदा का यही आदेश है, और उसी आदेश को मान करके हम लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक पूजा अर्चना कर करके गणेश चतुर्थी का पर्व अपने परिवार के साथ मनाएंगे। देखिए आगामी मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर जहाँ स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की गई है, इसमें सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु हैं और जो स्तरीय अधिकारी हैं कप्तान साहब हैं सबके साथ बैठकर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हमें आगामी त्योहारों पर अपनी व्यवस्थाएँ रखनी है और इस पर स्पष्ट दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई जुलूस समूह में बैठना इत्यादि नहीं होंगे और जो भी त्यौहार है वो अपने घर में बैठ कर मनाया जाना है, तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार के जुलूस तरह की कोई भी किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी जाएगी और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी ने इस बात का समर्थन भी किया है और अपने विचार भी रखे हैं और प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरह से इस पर मुस्तैद रहेगा और हमारी जो टीम है वो भी लगातार उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया है। कोरोना वायरस से फैली महामारी की बढ़ती हुई संक्रात्मकता को देखते हुए अमेठी जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने सीमित संसाधनों के मध्य बड़ी कड़ी मशक्कत कर जिले में कोविड L2 हॉस्पिटल डेवलप किया है। अभी तक जनपद में सिर्फ L1 हॉस्पिटल की सुविधा थी, जिसमें पूरे जिले में L1 अस्पताल में कुल 930 बेड उपलब्ध हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों का प्राथमिक उपचार किया जाता है और उसकी गंभीर होने के बाद ऐसे संक्रमित मरीजों को लेकर बाहर अम्बेडकर नगर स्थित L2 हॉस्पिटल में भेजा जाता था, जहां पर मरीज को पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे। ऐसे में कभी कभी गंभीर अवस्था में मरीज की मृत्यु तक हो जाती थी। ऐसी मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन, जिसमें अभी तक L1 हॉस्पिटल संचालित था, अब उसी ऊपरी मंजिल में L2 हॉस्पिटल डेवलप कर दिया है और ये हॉस्पिटल 100 बेड का है। इसमें कोरोना वायरस के अत्यंत गंभीर स्थिति वाले रोगी भर्ती हो सकेंगे और उनका माकूल ढंग से इलाज हो सकेगा। इसमें आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित 10 वेंटिलेटर सहित 14 ICU बेड की सुविधा भी उपलब्ध है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश मोहन श्रीवास्तव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज में पहले 100 बेड का L1 हॉस्पिटल चल रहा था। मरीजों की स्थिति जब गंभीर होती थी तो उनको अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में रेफर करते थे, जहां पर 2.5 से 3 घंटे पहुंचने में लगते थे। इसलिए हमने L2 का निर्माण करा लिया है। L2 हॉस्पिटल तैयार है, इसमें 14 बेड ICU के हैं, वेंटिलेटर क्रियाशील है और डॉक्टरों की टीम को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब जनपद के मरीजों को L1 हॉस्पिटल में अटैच रखेंगे, जिसकी स्थिति गंभीर होगी उसको ऊपर ले जाकर भर्ती करेंगे। ऊपर 100 बेड का L2 का हॉस्पिटल तैयार है और वहाँ पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मृत्यु दर कम करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ कोविड L2 हॉस्पिटल बनाया गया, कितने बेड का है? ऐसा है, यहाँ पे पहले L1 100 बेड का अटैच अस्पताल चल रहा था। रोगी जब गंभीर होते थे तो हम उनको अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करते थे। 2.5 से 3 घंटा मरीज को पहुंचने में लगता था, कठिनाई होती थी मरीज को भी और मरीज की डेथ होने पे हमें भी कष्ट होता है। तो इसलिए हम लोगों ने L2 हमारा तैयार है 100 बेड का, 14 बेड का हमारा ICU है, 10 वेंटिलेटर हमारे क्रियाशील हैं, डॉक्टरों की टीम को प्रशिक्षित किया जा चुका है, दवा सब उपलब्ध है। तो हम अपने मरीजों को, इस जनपद के मरीजों को L1 अटैच में रखेंगे, जो गंभीर होगा ऊपर ले जाके ऊपर 100 बेड का हमारा बना है फर्स्ट फ्लोर पे नए जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज में, तो वहाँ पे हम इलाज उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद है कि हम जो है मृत्यु दर कम करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की डेथ न होने पाए, प्रयास करेंगे कि सभी बचें अभी।